हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज के इस सेशन में फटाफट थोड़ा सा मार्केट का एक जायज़ा लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मार्केट में एक ही चीज़ हो रही है, वो हो रही है गिरावट हो रही है। क्या ये गिरावट रुकेगी, थमेगी, कब ये करेक्शन कम्प्लीट होगा, कब यहाँ से प्राइस हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनवरी मंथ की बात करते हैं तो लमसम जो मार्केट में गिरावट हुई है वो 25 से 26% के आसपास गिरावट हुई है। और अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, एक टॉप से अभी तक की बात करते हैं, 69 से मार्केट जो गिरा है वो नियर अबाउट 49 से 50% के आसपास मार्केट गिरा हुआ है। अगर हम ये देखते हैं कि कितना करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो नॉर्मली जब भी मार्केट ने एक टॉप बनाया है वहाँ से उसने जो एक करेक्शन लिया है वो 75 से 80% के आसपास करेक्शन लिया है, एज़ पर जो हिस्ट्री चार्ट हमें बताते हैं। एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ इन डीप रेड कलर। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोले कि मेरा पोर्टफोलियो हरे निशान के अंदर है। सबका पोर्टफोलियो लाल निशान के अंदर होगा, अपार्ट फ्रॉम जिन्होंने USDT रखा है। ठीक है, और क्या करना चाहिए, तो हमेशा से यही कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स BTC 35,000 के आसपास है, इथीरियम 2,400 के आसपास आ चुका था और राइट नाउ 2,500 के आसपास चल रहा है। BNB आपको 350 के आसपास मिल रहा है, XRP 60 पे मिल रहा है, कार्डानो 1 पे मिल रहा है, सोल 100 पे आ चुका है, डॉट 17 पे आ चुका है। एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ अवेलेबल एट रॉक रॉक बॉटम प्राइस। क्वेश्चन इज़ क्या बाय करें या ना करें। बाय करें क्या यहाँ से और नीचे आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, जायज़ सवाल हैं, और ऑफ कोर्स जिनके पास एक लिमिटेड फंड है उनको बहुत ज़्यादा इस पर सोचना पड़ता है। आप मेरे से पूछोगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग एज पर DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इस मार्केट में इस समय इस वक्त इससे बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इससे यही फ़ायदा रहेगा कि जो भी बाइंग प्राइस होगी वो एक एवरेज आउट होके एक डिसेंट प्राइस बनेगा। ओके, और DCA कभी भी लॉस में नहीं होता है, और देर सवेर कहीं ना कहीं हमें एक उछाल ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं यहाँ पे अब BTC और इथेरियम की बात करूँगा कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट में कुछ पॉजिटिव बात की बात करें, कुछ न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ यही है कि अगर हम एल सेल्वाडोर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लगभग कह सकते हैं 410 बिटकॉइन बाई किए हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 36,585 के आसपास, वर्थ $15 मिलियन का। और उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट डाला था जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि आई थिंक आई माइट हैव मिस द डिप दिस टाइम, लेकिन उन्होंने वापस से 410 बाई किया और ये लिखा है कि नो आई वॉज रॉन्ग, आई डेंट मिस इट, और यहाँ पे उन्होंने बाई किया है। सम गाइज आर सेलिंग रियली चीप। और ये हमेशा से होता है मार्केट में, जब पैनिक आता है तो हर कोई सेल करने लगता है, और सबकी अलग अलग सरकमटेंसेज होते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग ज़रूरत होती है, कोई कॉइन्स को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको सेल करते हैं, तो इस हिसाब से चल रहा है। और जिनके पास फंड है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और क्या रीज़न हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव न्यूज़, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि मार्केट में ये क्रैश देखने को मिला। देखिए, हम ETF की बात करते हैं। ओके, तो ETF का जो रिजेक्शन हुआ है उससे थोड़ा सा एक मार्केट में पैनिक का है। ओके, और सबकी आस लगी हुई थी कि भाई कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। और देखिए, आप मेरी बात करें या कोई भी यूट्यूबर की बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात करें, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये पता हो कि कल क्या होने वाला है, कल ETF रिजेक्ट होगा या पास होगा, कल SEC की तरफ से क्या बयान आने वाले हैं, क्या रशिया में बैन हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो वॉट वी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जो आप लोग को बताते हैं, ओके, डैट इज़ बेस्ड ऑन चार्ट्स, डैट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस, डैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूज़ मार्केट में क्या चल रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर, एक बहुत पुरानी जो वीडियो थी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पुरानी, जहाँ पे हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे BTC की बात कर रहे थे कि 50 वीकली मूविंग एवरेज हमने यूज़ किया है, और जब भी प्राइस ने 50 वीकली मूविंग एवरेज को, मैंने वीकली चार्ट टच किया है, तो भले वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ पंप गए बट देर सवेर वो वहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, ये भी हमने देखा था। ओके, और प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ चल रहा है। इन बिटवीन बीच बीच में ऐसा ज़रूर लगा
BTC यहाँ से वापस से रिकवर करेगा। कभी 39 आता था, फिर वहाँ से 44 आता था, 46 आता था, 48 आता था, फिर नीचे आता था। तो बहुत अच्छा खासा ये एक रेंज बाउंड के अंदर चला है, ओके। और एट द एंड कह सकते हैं कि जो बेयर्स हैं वो हावी पड़ गए हैं और प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है। और इन स्पाइट ऑफ दिस क्रैश अगर हम बात करते हैं, बिटकॉइन हैश रेट है और माइनिंग डिफ़िकल्टी है वो स्टिल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ठीक है। सो क्वेश्चन सबका यही रहेगा कि यहाँ से रिकवरी कब होगा या ये जो करेक्शन ये कब कंप्लीट होगा। तो आंसर तो ऑफकोर्स यही होगा कि 35 के आसपास है, इससे और नीचे जाता है तो 28 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सपोर्ट लेवल है। जो सबसे पहले BTC ऊपर गया था और नीचे उसको एक सपोर्ट मिला था, तीन मरतबा मिला था 28 से लेकर 29,000 के जोन पे, ओके। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि BTC एटलीस्ट 35,000 से ऊपर है। अगर 35,000 ब्रेक होता है तो एक फ्री फॉल होगा 30,000 के आसपास या 28,000 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। और ऑल वी कैन डू इज़ DCA, इससे बेस्ट ऑप्शन बेस्ट स्ट्रेटजी कोई नहीं हो सकता है कि आप छोटा छोटा एक बाय करते रहो अगर फंड्स है तो। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बोलेंगे यार फंड बचा ही नहीं, ठीक है, बट आपको DCA करना है, ठीक है, ऑन द स्पॉट कुछ बाय नहीं करना है। आज आपने कुछ 100 का बाय कर लिया, फिर नीचे आया 5% आया तो फिर 100 का बाय कर लिया, ये कर लिया, इस हिसाब से आपको टुकड़ों टुकड़ों में बाय करना है, तभी आपकी जो एक एवरेज प्राइस होगी डेट विल बी गुड, ओके। और मार्केट में सभी कॉइन्स जो हैं ज़बरदस्त एकदम रॉक बॉटम प्राइस पे अवेलेबल है। नाउ इट्स अप टू यू। आई एम श्योर कि ऑफकोर्स पैनिक है, डर है कि भाई बाय करेंगे प्राइस और नीचे चलेगा तो क्या करें क्या ना करें। सो एकदम ज़्यादा कन्फ्यूजन है, देन यू हैव टू सिट एंड वेट फॉर द मार्केट टू रिकवर। जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आता है देन ट्राई टू डू स्कैल्पिंग विथ SL, ओके। ये आप कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि बी केयरफुल इन दिस मार्केट, और पूरा मार्केट लाल निशान के अंदर है, मार्केट के अंदर कहीं भी कुछ मजबूती नहीं दिख रही है अनटिल एंड अनलेस कुछ मेजर एक न्यूज़ आती है, ओके। ऑल सीजन ऑफकोर्स इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बिटकॉइन सीजन ऑफकोर्स इट्स ऑलमोस्ट ओवर कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 69 से हम आ चुके हैं 35 के आसपास। नाउ ऑल वी हैव टू से कब ये करेक्शन ख़त्म होता है, कब प्राइस ऊपर की तरफ आती है, ओके, और वी हैव टू वेट। जो सही एंट्री ले लेगा, सही टाइमिंग करेगा, उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और जिनको एक सेफ एंड चलना है देन वेट फॉर द रिवर्सल, वेट फॉर द मोमेंटम मार्केट में कब आता है, ओके, उस हिसाब से हम आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एंड फाइनली वीकेंड्स का ये जो टाइम है, टुडे इज सैटरडे, संडे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप और हम क्या कर सकते हैं। एंड अगेन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो बहुत लोग प्रीफर करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्रिप्टोज के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग्स है। फ़ायदा यही रहता है कि छोटी अमाउंट पे एक बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क लिमिटेड होता है उसके अंदर, तो वो करेंगे किस हिसाब से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर एक मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है देन यू शुड स्विच टू अनदर मार्केट, फॉरेक्स में करो। तो फॉरेक्स के ऊपर भी एक कंप्लीट वापस सब सीरीज़ वगैरह सब स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो फॉरेक्स, क्रिप्टो और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये तीन चीज़ के ऊपर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। और क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है तो आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि एक वन ऑन वन सेशन हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पैसे की बात बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई पैसा देना है फीस देना है, वन ऑन वन एक सेशन करना है तो कर सकते हैं, तो कमेंट कर दो, रैंडम पिक करेंगे और वन आवर का हम लोग यहाँ पे एक सेशन कर लेंगे जहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आप कुछ सीखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।